अरे देख के खेलो भाई। अरे बाप रे, मैं तू उसका बॉस। अरे गुरुजी। अरे गुरु जी कहाँ सर, कहाँ कहाँ? अरे ऊपर आसमान में। अरे आसमान में नहीं, ये सामने ऊपर बालकोनी में थे। मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे तो दिखे ना। नहीं बॉस, वो बड़े गुरु जी कैसे हो सकते हैं, वो तो हरिद्वार गए हैं। अगर वो हरिद्वार में है तो फिर मैंने जिसको देखा वो कौन थे? वो आपका भ्रम होगा, क्योंकि एक ही इंसान दो दो जगह नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं जाके देखता हूँ। अरे सर, आप उन्हें कहाँ से देखेंगे? वो यहाँ पे हो ही नहीं सकते, वो तो हरिद्वार में है ना। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है, बड़ी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अरे सर, आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती मैं मानता हूँ, लेकिन सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप ऑफिस के लिए देर हो रही है। बड़े गुरु जी पे टाइम किसी का वेस्ट नहीं होता, टाइम इन्वेस्ट होता है, वो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे मुझे। अरे सर मेरी बात मानिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, ये आपका भ्रम है। अरे मेरा भ्रम नहीं है सर, ये आपका भ्रम है। नहीं, आपकी आंखों को धोखा हुआ है। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, मेरा विजन एकदम परफेक्ट है, 6/6 का विजन है मेरा, मालूम है। हटो पीछे, हटो पीछे। रुकिए। आप कहाँ जा रहे? ऊपर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारा ऊपर क्या है तुम्हारा? वो क्लब हाउस। हाँ क्लब हाउस में जा रहा हूँ। वहाँ क्यों जा रहा है आपको? ऊपर बड़े गुरु जी, इसलिए जा रहा हूँ ऊपर। नहीं वहाँ पे कोई बड़े गुरु जी नहीं है। ये ऊपर तुम्हें कैसे मालूम? नहीं है ऊपर, तुमने कभी देखा उनको? आर यू एज लकी बॉय एज बी? देखिए मैं सोसाइटी का एक मेरा सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन रहता है कौन नहीं रहता है। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, हटो पीछे। अरे अरे सर, मेरी बात मानिए, यहाँ पे कोई बड़े गुरुजी नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देख मैं मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, आज देखो अगर ऊपर बड़े गुरुजी हुए ना तो आज तेरा मेरी कंपनी में लास्ट डे होगा, समझे? विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट। एक मिनट रुकिए, देखिए देखिए आप ऐसे क्लब हाउस में नहीं जा सकते, क्लब हाउस में सोसाइटी के मेंबर्स ही अलाउड है, विजिटर्स आर नॉट अलाउड। अगर आपको जाना है तो सोसाइटी ऑफिस में जाके वो रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, ये हमारा रूल है। अबे तेरे रूल गए तेल लेने। हट सर, आ रहा हूं बड़े गुरुजी आपकी शरण में, आ रहा हूं सर। सर मैं आ गया आपकी शरण में गुरु सर, मेरी भला पीछे। अरे बच्चे लोग यहाँ पर अभी थे ना, वो अपना बड़े गुरु जी, वो कहाँ है वो बड़े गुरु? नहीं 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 नहीं, यहाँ ऐसा कोई रहता ही नहीं। हाँ। अभी थे ना यहाँ पर, मैंने देखा अपनी आंखों से। नहीं नहीं अंकल, बड़े गुरु जी हमारे साथ कोई है ही नहीं। ओ अच्छा, गुरु आप गुरुचरण सिंह सोडी की बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ कभी कभार हम इसे ओ छोटे गुरु ऐसे करके बुलाते हैं। हाँ मतलब ये छोटे गुरु और इनके पिताजी वो बड़े गुरु, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। अरे चुप करो, छोटे गुरु बड़े गुरु उल्लू हूँ क्या मैं? वो आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। तुम सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो, अंदर है गुरु जी, मैं देखता हूँ उनको। काजल और अंजलि भाभी ये सब क्लब हाउस की ओर क्यों भागे? हाँ वो साथ में मेहता साहब के बॉस थे ना। हाँ पर भीड़े भर मेहता साहब बॉस के पीछे पीछे क्यों भाग रहे थे? तारक के बॉस जब हमारे घर से निकल रहे थे तो उन्होंने चाचा जी को देख लिया, अब चाचा जी क्लब हाउस में भागे और तारक के बॉस उनके पीछे भागे। अब अगर चाचा जी उनके सामने आ गए तो बड़े गुरु जी वाला झूठ भी पकड़ा जाएगा। चमकड़ा था जैसे परमेश्वर। मेरी चील जैसी आंखें कभी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकती। मैंने बच्चों के साथ बड़े गुरुजी को अंदर भागते हुए देखा था। अरे अंकल आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, हमने आपको बाहर ही कहा था ना अंकल कि अंदर कोई बड़े गुरुजी नहीं है। हाँ हाँ देखा बॉस, हो गई तसल्ली।
आप खुद सोच रही है, बड़े गुरुजी आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो फिर वो आपको देख के भागेंगे क्यों? हाँ बराबर है मेहता साहब। और देखिए, जान पहचान वाले से आदमी तभी दूर भागता है जब उसने उधार लिया हो। अभी बड़े गुरुजी ने आपसे उधार लिया है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, अरे पापा पापा पापा, अरे बड़े गुरुजी ने उल्टा दिया है मुझे, 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में दिया है उन्होंने। हाँ तो फिर क्यों भागेंगे वो? मुझे लगता है कि आपको कोई भ्रम हुआ है। आप उनको बार बार याद कर रहे थे तो बड़े गुरुजी ने छवि के रूप में आपको दर्शन दिए। आपकी आत्मा, आपका मन शुद्ध है, इसलिए आपको दर्शन। हमें तो बड़े गुरुजी ने दर्शन ही नहीं दिए। हाँ देखो ना, अचानक गायब हो गए। आप कितने लकी हैं और हम कितने अनलकी। बकवास मत कर मैं मेरे सामने, तू झूठ बोल रहा है, मेरे से कुछ छुपा रहा है तू। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे यार वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। अगर बड़े गुरुजी हरिद्वार गए हैं तो फिर मुझे यहाँ पर तेरी सोसाइटी में दिखाई कैसे? कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो है। मैं इसका पता लगा के रखूंगा। पक्का बड़े गुरुजी यहीं पे कहीं छुपे हुए हैं। अरे मैं उन्हें ढूंढ कर आऊंगा। मिल गए बड़े गुरु जी। आज तेरी नौकरी खाई। ये कौन है? ये तो बड़े गुरुजी नहीं है। ये बड़े गुरुजी नहीं है। अरे सुन लिया ना, बड़े गुरुजी नहीं है तो फिर कौन है? मैम, पिंकू का दादा जी हूँ। आपके बालों को क्या हुआ है? ये इतने अजीबोगरीब क्यों है? अजीब क्या है? इसमें अजीब क्या है? ये मेरा स्टाइल है। मेरे बाल बचपन से ही ऐसे हैं। ये पाउडर भी आप अपने मुंह पे बचपन से लगा के रखते हो? क्या? वो तो अभी वो कैरम का पाउडर मुझ पे गिर गया। वो कैरम बोर्ड पर पाउडर डालना था लेकिन पाउडर का डिब्बा टाइट था और जैसे ही दादाजी ने पाउडर का डिब्बा खोला वैसे ही पूरा पाउडर चेहरे पर गिर गया। ये देखो ऐसा। अच्छा अच्छा, देखा बॉस, अब आप समझे। अब खामखा मुझ पे शक कर रहे थे। आपने बड़े गुरुजी को नहीं देखा, आपने इन्हें देखा। हाँ ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हो गई। ठीक है, सॉरी बाबा सॉरी। चलो निकलते हैं। चलो एक मिनट, अगर ये बड़े गुरुजी नहीं है
तो फिर मुझे देखकर छुपे क्यों थे? वो दादाजी को सबके सामने आने से शर्म आ रही थी इसलिए, और वो लोग उनका मजाक ना बनाए ना इसलिए बेचारे दादाजी छुप गए थे। ओके 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 ठीक है समझ गया भाई। Once again, I'm sorry. वो यार दादाजी बुड्ढे की एक्टिंग एकदम चंगी कर रहे। दादाजी है ना। एक मिनट पकाए हैं। इनका छुपना तो मेरी समझ में आ गया। और ये तुम बच्चा लोग तुम मुझे देखकर भागे क्यों? बाबा हम लोग आपको देख के थोड़ी भागे। हम लोग तो भिड़े अंकल को देख के भागे। वो हम लोग सुबह सुबह ऐसे क्लब हाउस में आते हैं ना तो भिड़े अंकल को अच्छा नहीं लगता इसलिए वो हम पे चिल्लाते हैं, है ना भिड़े अंकल? हाँ बिल्कुल। क्या है सुबह सुबह पढ़ाई करने से दिमाग में याद रहता है तो सुबह सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, उल्टा है सुबह सुबह यहाँ पे खेलने आ जाते। समझ में आता तुम लोगों को? कितनी बार मना किया तुम लोगों को? सारी भिड़े अंकल सॉरी। क्या यार भिड़े ये गलत बात है, इतना क्यों चिल्लाते हो बेचारे बच्चों के ऊपर? तुम सेक्रेटरी हो या मास्टर जी हो? मैं एक्चुअली दोनों हूँ, मतलब मैं सोसाइटी का एक सेक्रेटरी भी हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ, भिड़े ट्यूशन क्लासेस है मेरे। अच्छा अच्छा समझ गया भाई, गलती लगता है मेरे से ही हुआ है। चलो सबको सॉरी है। एक मिनट लगता है मेरा गलती बहुत बड़ा था इसलिए सबको दिल से सॉरी यार। वेरी सॉरी। चलो ये लोग तो सब बाहर आ रहे, बता रहे थे फिर भी आपके बॉस मान नहीं रहे थे। ए भगवान आई होप सब ठीक ही हुआ होगा। कमाल है ना, कब से आपको समझा रहा था कि बड़े गुरुजी यहाँ नहीं है। चाचा जी, चाचा जी को क्या हो गया? हंसा हंसा का जल है। चाचा जी ने ऐसा हाल क्यों बना के रखा है? मेरी बात पे विश्वास किया कीजिए सर, ये सब तो नॉर्मल लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। आप सब भी आ गए? हाँ वो हमने चिल्लाने की आवाज सुनी ना इसलिए आ गए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, इट्स ऑल माय फॉल्ट। मैं इनको गलती से ना कोई और समझ बैठा था, लेकिन कोई बात नहीं अभी गलतफहमी दूर हो गई। आप सभी को वेरी वेरी सॉरी है, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं, होता है होता है। बॉस मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि आपको कोई भ्रम हुआ है। चलो भ्रम ही सही, पर इस भ्रम के बहाने मुझे अपने गुरु जी की छवि के दर्शन तो हुए। आई एम सच ए लकी बॉय। चलिए आप सबको फिर से वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, मैं अभी निकलता हूँ। मैते मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फौरन पहुंचो, हो सके तो मुझसे पहले पहुंचो। ओके बाय बाय। बाय 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 बाय। वो तिवारी का चेक कर ले, उसका पेमेंट नहीं आया अभी तक। ग्लोबल इंडिया को फोन कर लेना है, उनका भी पेमेंट बाकी है। हाँ हाँ। चल गई मुसीबत। सच में? थैंक गॉड। थैंक यू चाचा जी, एक बार फिर आपने मुझे और मेरी नौकरी को बचा लिया।
वंस अगेन थैंक यू चाचा जी। लेकिन हमें तो लगा था कि आप पार्क में कसरत करने गए। हाँ चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आई कि आप क्लब हाउस में से कैसे आए। तारक ने तो जेठा भाई को पार्क भेज दिया था आपको ढूंढने के लिए। जेठालाल, चाचा जी यही है। पप्पू जी, ये आपका ऐसा हाल किसने किया बापू जी? आपका यह हाल मुझे बताइए बापू जी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ए भीड़ा, खड़े खड़े सुन क्या रहे, पता किसने किया बापूजी का ऐसा हाल? अरे मुझे भी नहीं पता जेठालाल, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ। बताइए बापूजी, बताइए जल्दी बताइए, किसने किया आपका यह हाल? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने 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 ओहो, अब तो जेठालाल आपको छोड़ेगा नहीं चाचा जी। बापू जी, मैंने मतलब कि... अरे तू शांति रख भाई, बताता हूँ सब बताता हूँ। पहले मुझे कोई पानी दो। पानी पानी दो बापू जी को, पानी दो जल्दी। जी पानी क्या, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। जूस तो थोड़ी मुंह धोऊंगा, मुझे मुंह धोने के लिए पानी चाहिए। हाँ जूस अंजलि भाभी, पानी मुंह धोने वाला पानी लेकर आइए। सॉरी, पानी 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 लेकर आइए अंजलि भाभी जल्दी। हाँ हाँ समझ गई, मैं पानी लेकर आती हूँ। लेकिन चाचा जी, मेरे आने से पहले कुछ बताना मत, मुझे सब जानना है। तू ला जल्दी पानी, जल्दी आना। ला मुझे दीजिए। आइए आइए बाबू, आइए। चाचा जी अब तो बताइए क्या हुआ था। हाँ। बापू जी एक मिनट, पहले तो आप ये बताइए, आप तो वो पार्क में कसरत करने गए थे ना, फिर क्लब हाउस में से कैसे निकले? ओ हाँ चाचा जी, वो मैं और जेठा प्रा तो कब से आपको पार्क में ढूंढ रहे थे। हाँ मैं भी चौराहे पे खड़ा था चाचा जी आपको देखने के लिए, ताकि बॉस का आपके साथ आमना सामना ना हो। और हाँ मैं तो आपकी दुकान पे बैठ कर राह देख रहा था कि आप आए और आपको दुकान में छुपा दूं। हाँ चाचा जी बताइए ना, कहाँ थे आप? दोस्तों क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला, लेकिन फिर समय का भैया ऐसा घूमा कि आप उसी पहाड़ की चोटी पर खड़े रहकर मुस्कुरा रहे हो? भाई मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, पलक झपकते ही सारी मुसीबतें छू मंतर हो गई। बॉस चाचा जी को बड़े गुरु जी समझ कर उनके पीछे भागे, उन्हें पकड़ भी लिया, और मुझे तो लगा था कि बॉस का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर मुझ पे फूटने वाला है, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा दांव खेला कि पूरी बाजी ही पलट गई। बॉस जो मुझ पे भड़कने वाले थे मुझसे सॉरी कहने लगे, और बड़ी जद्दोजहद के बाद बॉस ये मान गए कि चाचा जी बड़े गुरुजी नहीं बल्कि पिंकू के दादाजी हैं। भाई जहां पर बवाल होने वाला था वहां पर कमाल हो गया। अब सोचने की बात यह है कि ये कमाल हुआ कैसे, क्योंकि चाचा जी तो पार्क गए थे कसरत करने के लिए, तो चाचा जी कब और कैसे क्लब हाउस पहुंचे? क्योंकि जब बॉस ने चाचा जी को देखा तब वो अपने असली रूप में थे, तो चाचा जी ने इतनी जल्दी अपना हुलिया बदला कैसे? वो कौन सी चीजें थी जिसके वजह से चाचा जी अपना हुलिया बदल पाए, और वो चीजें इतनी जल्दी वहां पर कैसे आई जिसके वजह से चाचा जी अपना हुलिया बदल पाए? दोस्तों जिस तरह से मेरे मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपके मन में भी ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे, और इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हंसी के समंदर में गोते लगाते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।